टीएमसी नेता अखिल गिरी ने देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के ऊपर में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है वह निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री है और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य खुलेआम तरीके से देश के महिला राष्ट्रपति, ट्राइबल प्रेसिडेंट के ऊपर में, आदिवासी राष्ट्रपति के ऊपर में इस तरह का अभद्र टिप्पणी, जिस टिप्पणी को चाहे जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इससे यह बात स्पष्ट रूप से झलकती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस देश के 10.5 करोड़ जनता, आदिवासी जनता की भावनाओं को आहत किया और देशवासियों को, देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। और इस मामले में ममता बनर्जी को स्वयं अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसके मंत्रिमंडल के एक मंत्री, टीएमसी के नेता अखिल गिरी ने इस तरह का बयान किसके कहने पर दिया है और यह किस तरह की बयान देकर इस तरह से अपमानित करने का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए न केवल महिला राष्ट्रपति के रूप में, ट्राइबल राष्ट्रपति के रूप में, बल्कि देश का अपमान कर रहा है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है, देश का सर्वोच्च पद होता है और दुनिया के लिए भारत का प्रतिनिधित्व हम देशवासियों का करता है। ऐसे पद का आलोचना करना मैं समझता हूं कि इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री के बयान न केवल इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी खराब करने का प्रयत्न किया है। और इसलिए मैं यह कहूंगा कि ममता बनर्जी को, ऐसे मंत्री को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और इस तरह के बयानों के लिए देश के सामने माफी मांगना चाहिए। आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि दुनिया में जो एथनिक संख्या जो कही जाती है, उस एथनिक संख्या की सबसे बड़ा आबादी भारत में रहती है। 10.5 करोड़ जनता, ट्राइबल इस देश में है और दुनिया में अभी तक बताया गया कि इस तरह से जो नोटिफाइड जो एथनिक ग्रुप है वो 41 करोड़ के लगभग संख्या, उसका 30% से अधिक भारत नेतृत्व करता है। वैसे परिवार, वैसे समाज से, वैसे लोगों के बीच से एक सुशील, संवेदनशील महिला जब राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करती है तो वैसे पदों पर ऐसे महिला को देख करके इनके अंदर एक तरीके से, जिसे कहा जाए, जलन होती है, एक तरीके से पचता नहीं है और ये डिहाइड्रेशन का परिणाम है। ये किसी न किसी रूप में ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपनी उस तरह की बातों को, जिससे कि उनके मन में, उनके विचार में, उनके चरित्र में है, वो दिखाते हैं। और ये बयान स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार देश में
देश के आदिवासियों में और राज्य के पश्चिम बंगाल के भी आदिवासियों का शोषण करते रही। इसे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक संथाल समाज की महिला जो आज ऐसे पद को सुशोभित करते हुए दुनिया का नेतृत्व कर रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के ऐसे जो जनजातीय समाज कहा जाए या इंडिजिनस कहा जाए, आदिवासी कहा जाए, ऐसे लोग आकर के लगातार सराहना कर रहे हैं कि भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को किस तरीके से सुरक्षित रखा है, किस तरीके से मजबूत रखा है और किस तरीके से दुनिया के सामने बताने में सफल हुआ है कि वास्तविक रूप से भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ प्रत्येक ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को सर्व स्पर्शी, समावेशी और सबके साथ मिलकर के भारत एक है इसका संदेश देती है। और इसलिए मैं घोर निंदा करता हूं कि शहीद दिवस के कार्यक्रम में जब वहां भाजपा का एक शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था नंदीग्राम में, वहां अशांति घटाने के लिए, वहां किसी तरीके से घटना घटे क्योंकि वहां की सरकार, वहां के प्रशासन, वहां के ऐसे गुंडे तबके के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमला किया जाए। वो इस तरीके से षड्यंत्र करके, इस तरह के बयान दे करके और इस तरह का हंगामा करके न केवल देश को अपमानित किया है बल्कि वहां के कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित करने का काम लगातार कर रहे हैं। और इसलिए टीएमसी के मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और ममता बनर्जी जिसके मंत्रिमंडल में ये मंत्री है, देश के सामने माफी मांगना चाहिए कि पहली बार आज़ादी के बाद यदि ऐसे महिला को मौका मिला है तो उसका सम्मान करते हुए देश के सामने माफी मांग करके ये याचना करना चाहिए कि उसके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन्होंने गलत किया है और उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए।